कांग्रेस के युवा विधायक कृणाल चौधरी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि SC ST एक्ट में शर्त रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि बीजेपी नियत और नीति में खोट है, क्योंकि उन्हें लगता है बीजेपी देश में आरक्षण खत्म करने के लिए मुहिम शुरू कर सकती है, इसलिए इसमें कंडीशन को रखा गया है। बीजेपी ने देश में ट्राइबल सरप्लस प्लान को खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है, लेकिन सीएम कमलनाथ ने सदन में कहा है कि वह केंद्र सरकार से इसे दोबारा चालू करने के लिए आग्रह करेंगे। अगर केंद्र चालू नहीं करेगा तो फिर राज्य सरकार ही ट्राइबल सरप्लस प्लान को चलाया जाएगा। नीति और नियत जो है, क्योंकि मैंने जो कहा कि मुंह में तो राम है पर दिल में कई नीतियों में नातू राम है, जैसे ट्राइबल सरप्लस प्लान जो था उसे खत्म करने का काम कर दिया गया, 13 पॉइंट एजेंडे को खत्म करने का काम कर दिया गया, और लगातार देश में कई ताकतें पुनर्विचार की बात करना, कभी खत्म करने की बात करना, और जिस विचार के साथ इस देश के वंचित व्यक्तियों पे ऊपर जो अत्याचार देश के अंदर अभी सरकार देश में हो रहा है, तो हमें अपने हाथ में रखना पड़ेगा। क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने भी ट्राइबल सरप्लस प्लान की बात करी कि केंद्र सरकार ने उसे खत्म कर दिया, जिसके माध्यम से इन क्षेत्रों में बेहतर विकास होता था, जो माननीय मनमोहन सिंह जी के समय बेहतर विकास हुआ, आज उसे खत्म करके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे कुछ भी होगा पर इन नीतियों के अंदर चाहे मध्य प्रदेश को अलग से उस ट्राइबल सरप्लस प्लान को बनाना पड़े, उस सरप्लस प्लान को बनाएंगे, पहले देश से भी निवेदन करेंगे कि उस सरप्लस प्लान को चलाए। तो जिन चीज़ों के ऊपर शर्त रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनकी नीति और नियत में जो खोट है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि इस देश से आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम यह शुरू करें। संशोधन जो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जिस विचार को इस देश में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जैसे कई वरिष्ठ नेताओं ने इसको सुशोभित किया, और इस देश के उस अंतिम पंक्ति के पायदान के व्यक्ति जो वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए एक सामाजिक क्रांति का जो काम किया, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में ऐतिहासिक दिन है कि हम सब मिलके उसे पास कर रहे हैं। और ये एक खूबी जिस नीतियों की कांग्रेस पार्टी की जिसके इरादों में था, वादों में था और नीतियों में था, और उस खूबी थी कि कई लोग जो पीछे से उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, कई लोग जो सामाजिक न्याय की लड़ाई का विरोध करते हैं, कई लोग जो बात तो सदन में राम की करते हैं पर दिल में नातू राम को रखते हैं, पर सदन में आके उसका समर्थन करना पड़ता है, आज हम लोग इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक अनुभव महसूस कर रहे हैं, अपने आप को खुशनसीब और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमने विधानसभा में इस संशोधन को पास करने के लिए रखा है, और सभी लोग मिलकर इसको पास करते हुए इस देश के वंचित व्यक्तियों के उद्धार के लिए इसे आगे बढ़ाने का काम किया।